सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़ाकोटा में नगर युवा जागृति संगठन के तत्वाधान में गोपाल जी खेल परिसर में स्थित स्टेडियम में 7 दिवसीय फिजिकल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज तीसरे दिन 305 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण लिया गया। अभिषेक भार्गव ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रतिदिन निःशुल्क पौष्टिक आहार तथा दूध दिया जा रहा है, एवं जो क्षेत्र के बाहर से आए युवा हैं उनको रुकने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। शिविर में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, वन विभाग की नौकरियों के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। युवाओं को ट्रेनिंग व रिटायर्ड सैनिकों के द्वारा लंबी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक सहित भर्ती हेतु आवश्यक समस्त विधाओं की गुर सिखाए जा रहे हैं। इस निशुल्क शिविर में युवाओं को खेल प्रशिक्षक कुंवर सिंह राजपूत, अवधेश प्रताप सिंह राजपूत, अतुल तिवारी, रूपेश अरिवार, अंतरिक्ष शर्मा, आकाश शर्मा, सिराज खान, एके सिंह, आलोक सिंह, ऋषिकेश बरदिया, नीरज कुमार सिंह सहित कई लोग अपने स्तर से प्रशिक्षण दे रहे हैं। सागर जिला से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। कैसा लग रहा है ये शिविर में आए आप लोग? सर, इस शिविर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है भैया दीपू भार्गव ने। इसके द्वारा जो प्रतिभागी गांव कस्बे से हैं, वो जो आगे नहीं निकल पा रहे हैं, उनके 7 दिन में पूरी तैयारी करके प्रिपरेशन करके बताया जा रहा है, टिप्स दी जा रही हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको अपना के प्रैक्टिस रेगुलर करके वो प्रतिभागी अपना सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा शिविर है, पूरा शिविर निःशुल्क दिया जा रहा है और लड़कियों के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। शिविर के बारे में जो कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि इतना अच्छा शिविर हमारे दीपू भैया गोपाल भार्गव के द्वारा यहाँ पर लगाया जाएगा। हम लोग को तो मालूम ही नहीं, जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि पहली बार यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग में आई हुई और उसने भाग लिया। यह पूरी तरह निःशुल्क है, इसमें निःशुल्क ट्रेनिंग और विभिन्न प्रकार के फिजिकल ट्रेनिंग के बाद में बच्चों को नाश्ता और दूध की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए वह आगे बढ़ सकते हैं। शिविर में आगे हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमारे अभिषेक भार्गव दीपू भैया ने जो निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग शिविर लगाया है, ये मध्य प्रदेश तो क्या पूरे भारत में कभी नहीं लगाए, पहली बार इधर पे आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग को सब निःशुल्क पहले पंजीयन हुए थे, उसके बाद सबको टी शर्ट ये भैया द्वारा दी गई। इसके बाद जो बाहर से आए हुए हमारे जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, जो सागर से कोई पूर्व आर्मी के ऑफिसर हैं, पुलिस के ऑफिसर हैं और भी बहुत सारे सिखाने के लिए आते हैं। और जो हम लोग को नाश्ता दिया जाता है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन जैसे सोयाबीन, चने, मूंगफली, ये सब फलोकर और इसमें पोहा, दूध, गुड़ इत्यादि बहुत सारा सामान यहाँ पर दिया जाता है, जो कि सब निःशुल्क है। संगठन के लिए क्या क्या कहेंगे आप लोग? बहुत अच्छा कार्य है, भैया को आगे और कराना चाहिए युवाओं के लिए। पुलिस, आर्मी, CRPF, BSF और GRPF के लिए जो फिजिकल मांगा जाता है उसकी तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, बीम और क्रॉस कंट्री, 100 मीटर रेस, ये प्रतियोगी इच्छाओं में प्रतियोगियों के लिए कराई जाती है। इसके लिए हम तैयारी करवा रहे हैं और 7 दिवस में उनको टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो बारीकियां हैं इन प्रतियोगियों के लिए, वो समझाने की कोशिश की जा रही है। और फिजिकल तौर पर इनके लिए व्यायाम, सुबह से वार्म अप कराना, रनिंग कराना और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये अलग अलग हमारे साथ में हमारे जो कोचेज हैं, ये अलग अलग विषय पर अलग अलग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें रनिंग और शॉट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये बारीकियाँ छात्रों को 7 दिन के इस शिविर में हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई फिजिकल परेशानी ना हो और फिजिकल में अनफिट ना रहें। इसलिए हमारे आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी के निर्देशन और अभिषेक भार्गव जी के सफल निर्देशन में 7 दिन का शिविर हम सभी ने यहाँ आयोजित किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जा रही है और छात्रों के लिए रहने, खाने, पीने और लंच की व्यवस्था नव जागृति संगठन गढ़ाकोटा के माध्यम से कराई गई है। इसके लिए हम सभी कोचेस और सभी क्षेत्रवासी उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।